एक रैली की है और एक सभा की है और गांव दिंगतानिया में जी अगर धुआंधार प्रचार चल रही है गांव और शहर। प्रचार धुआंधार नहीं, आशीर्वाद धुआंधार मिल रहा है। प्रचार तो मैं कर ही रहा था, पर देखो आज मुझे लग रहा है कि मैंने तो 15 साल 20 साल हो गए इलेक्शन लड़ते हुए, पहले दफ़ा ये हुआ है कि 31 गांव की महिलाएं इकट्ठी होकर, आप देख रहे हो हजारों की संख्या में, हर गांव से महिलाएं आई हैं और अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए प्रोग्राम रखा है गांव के अंदर ही। हमने नुक्कड़ सभा तो ज़रूर बहुत रखी हैं और कल भी है, एक महिला नुक्कड़ सभा कल भी है 4:30 बजे भगत सिंह चौक में। पर गाँव में मैंने पहली बार देखी है और पहली बार करी है कि इतना इन बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही बड़ी जीत होने की संभावना है। जो मैं सोच रहा था गांव से एक तरफा माहौल, वो आज मुझे दिख रहा है। गोपाल जी, कांग्रेस की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस मुक्त भारत पे मैं बहुत दिन से शामिल हूँ और अब मैं कांग्रेस मुक्त हरियाणा का जो बीड़ा उठा रखा है, और आपको पहले भी बोला था कि कांग्रेस ये कर रहे हैं, इन लोगों को मालूम है कांग्रेस ने कभी किसी का भला किया नहीं, ना ही कर सकते। अभी आज एक वो बोल रहा था मुझे मेरे भाई कि कांग्रेस एक अंग्रेज़ की बनाई हुई एक अपनी कंपनी है ये, ठीक है ना, और बाहर के एक विदेशी का बनाया हुआ ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये किसी का क्या भला करेगी, ये कभी भला नहीं कर सकती। किसानों को 2-2 रुपए का चेक देते हुए मैंने खुद देखा है मेरी आँख से, तो ये कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए। आपने अभी कहा कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है ये चुनाव, सच्चाई है ना। देखो कांग्रेस आज वो भगवान राम के मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं, भगवान राम के, हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान में रह के और वो खुद भगवान के खिलाफ बोलना, वो गलत शिक्षा दे रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को। तो अपन तो कांग्रेस मुक्त भारत में पहले थे और आज भी हरियाणा में कांग्रेस मुक्त करने के लिए, और हरियाणा की जनता ही अब तैयार बैठी है और 8 तारीख को आप देख लेना। विपक्षी लगातार आरोप लगा रहे हैं, ये क्या है, सम्मान किसी का नहीं करते। अब आप देख लो इनकी खुद की जो बहन शैलजा जी हमारे सिरसा से, कितना बड़ा उनको समर्थन मिला, और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की रैली में क्या हुआ, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल हुआ, कभी सोच सकता है कोई आदमी, इनकी सोच ऐसी है। लगातार सिरसा वासियों के लिए, मतदाताओं के लिए बिकाऊ शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, वो तो मैं बहुत जगह बोल रहा हूँ, वो भी कैंडिडेट कांग्रेस का है, इलाहाबाद में भी कैंडिडेट कांग्रेस का है, वो मुर्रा झोटे की फ़ोटो लेके जेब में घूमते हैं कि इलाहाबाद वाला कैंडिडेट, तो बताओ वो फोटो दिखा रहा है। अरे भाई इससे क्या होगा, तुम्हारी ना बोली सही है ना तुम्हारे चाल चलन सही है, और सिरसा के लोग तो जान चुके कि ये बाहर से आए हुए असामाजिक तत्व जो इनके साथ घूम रहे हैं, सिरसा का माहौल ख़राब करने के लिए जो ये माहौल बना रहे हैं, वो धर्म नगरी सिरसा का माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। सिरसा की जनता को बार बार वो परिवार, सिरसा की जनता बिकाऊ है, सिरसा की जनता बिक गई, खुद सब काम करेंगे, खुद सिरसा की जनता को बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर सिरसा की जनता बिकाऊ नहीं है, जिताऊ है। मैं बहुत बोल चुका कि सिरसा की जनता उसको आशीर्वाद प्यार उसी को देती है जो सिरसा की जनता उस धर्म नगरी में सिरसा में जो उनका साथ देता है, उनके हिसाब से जो काम करता है, सिरसा की जनता उसका समर्थन करती है। लगातार सर्वे आ रहे हैं जिनमें ऐसा कहा जा रहा है कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? किसी को स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है कोई भी दल को, इस बारे में आप क्या कहते हैं? तो मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ कि सिरसा से सरकार बनेगी, और आप लोग भी सब तैयार हो जाओ मीडिया के मेरे साथी, आपके भी परिवारों के वोट होंगे, आप भी मुझे वोट देना क्योंकि आपकी सरकार आ रही है सिरसा की। आपसे किसी ने वोट नहीं मांगे होंगे, मैं मांग रहा हूँ हाथ जोड़ के, ठीक है ना, आप आशीर्वाद भी देना और वोट भी देना, आपकी सरकार बनेगी और काम करेंगे और आपके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, आपके लिए भी काम करेंगे। कांडा जी लगातार आपकी लहर से विपक्षी बौखलाए हुए हैं और अच्छी राजनीति पर उतर गए हैं। भाई साहब वो अच्छी राजनीति पर पहले दिन शुरुआत से उतरे हुए थे अमन जी, तो अभी तो बहुत ज़्यादा वो एकदम बौखलाहट ऐसे हो गई है कि जैसे उनको लग रहा है कि शायद इतनी, पहले उनको कुछ और सपने देख रहे थे वो, पर जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, उनके पास कुछ है नहीं, जो 100-200-400 बुला रखे थे बाहर से, दुकान में कोई सामान नहीं है, वो साथ ही चलता था उनके सड़क पे ही, और जब उन्होंने रियलिटी देखी ये ऐसे समुद्र की तरह लोग बैठे हुए कि ये असलियत है, ये सरसा के लोग हैं और तेरे साथ आए हुए कौन है, ये खुद जब उसको पता चला तो वो समझ चुका कि बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। और अब तो सिरसा के लोगों ने इतने जागरूक, इतने एकदम पूरा शहर उठ खड़ा हुआ है, वो तैयार है वोटिंग करने के लिए, और ये धर्म और अधर्म की राजनीति है। सिरसा को एक आपसी भाईचारा और सिरसा की जनता को प्यार करने वाला व्यक्ति चाहिए जो उनके सुख दुख में काम आए। हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, कितनी बड़ी जीत का दावा? बहुत बड़ी जीत होगी, मतलब
जब वोट डालने जाता है ना कोई भी इंसान, तो अपनी आत्मा पे हाथ रख के सोचता है कि यार मैं किसको दूं, शहर में कौन क्या करेगा, उस परिवार ने शहर के लिए क्या किया है। जब वो सोचता है कि यार इस परिवार ने तो पहले कभी कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया 20-25 साल, और उस टाइम कितनी गुंडागर्दी थी। सबसे पहले दारू इस परिवार के घर से बंटती थी, पूरा शहर आज भी जानता है जो उस टाइम के लोग हैं क्या क्या ये काम करते थे, आज भी ये करते हैं, बोलते कुछ हो रहे हैं। तो शहर इनके दोगलेपन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, किया कुछ नहीं अपने समाज का या किसी भी समाज का इन्होंने कभी भला नहीं किया, और फिर दोबारा ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि ये इनका आखिरी कोशिश है, इसके बाद तो वो हमारे खुद ही बोल चुके कैंडिडेट साहब के बस मैं अब जाने वाला हूँ बाहर आउट ऑफ इंडिया, तो वो तैयारी में है बिल्कुल, अटैची पैक करके।